कोशिश के बावजूद उनको बाजियाब ना करा सके, वो ना मिल सके। उसके बाद वो जो पुलिस की टीम थी वो वापस गिलगित बल्तिस्तान चली गई, लेकिन उसके बाद उनको ये इत्तला मिली कि चूंकि ये लोग मानसरा में मौजूद है, उन्होंने 18 मार्च को दोबारा दयोर थाना के एसएचओ है उसकी सरप्राइज में एक छापे के लिए टीम तश्कील दी गई और वो टीम दोबारा मानसरा की तरफ रखते सफर हुई। और जब वो मानसरा में आपकी दोबारा घरों पर छापे मारने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे थे, उस वक्त एक वीडियो पैगाम आता है सोशल मीडिया पर जो कि फलक नूर का पैगाम है। उसके अंदर फलक नूर ये कहती है कि मेरी उम्र जो है मेरी 16 साल, मैं अपनी पसंद की शादी कर चुकी है, मेरा वालिद साहब सोशल मीडिया में जाके जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। उस पैगाम पर हम ये नहीं कहते कि वो पैगाम ठीक है, हम ये भी नहीं कहते कि वो अफवाह हुई है, या हम ये भी नहीं कहते कि वो अफवाह नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त सारा मरहला तफ्तीश और तहकीक के ऊपर है। तो उस वीडियो पैगाम के बाद जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बदनाम करने की कोशिश की गई, उसकी हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत वहाँ के लोगों के जान माल के तहफ़ के जिम्मेदार है। हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के 17 लोगों का जिम्मेदार वहाँ की इस वक्त की मौजूद गवर्नमेंट है, फलक नूर के जिम्मेदार हम हैं, और वो बच्ची जो जहाँ पे वहाँ पे जिसको अगवा किया गया और उसको उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली उसके हवाले से भी वहाँ के हर फर्द की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो रियासत पूरी जिम्मेदारी के साथ फलक नूर के मामले को पूरी तफ्तीश के साथ देख रही है कि आया ये वाकई में अगवा का मामला है या कोई पसंद की शादी है। उसके बाद फलक नूर को जिस आदमी ने अगवा करके लेके दिया है वो कोई दूसरे सूबे का आदमी नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रहता है। आज एक इंडियन पैड एजेंट सजाद राजा बाहर बैठ के वो बात करता है कि उसको मानसरा लेके गए, उसको पाकिस्तान लेके गए। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान है, मानसरा भी पाकिस्तान है, लेकिन जिस लड़के के साथ वो लड़की चली गई है वो गिलगित बल्तिस्तान का शहरी है, वो हमसाये में रहते थे, दोनों सुल्तानाबाद की है और उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, 16-17 साल का लड़का है, 15-16 साल की लड़की है। अब सुरताल ये है कि इस मामले को पूरी तफ्तीश के साथ देखा जाता है। अब उस लड़के ने पिशावर हाईकोर्ट की जो जवाब भेज था उससे उसने बकायदा कबल जमानत दी 6 अप्रैल तक, और उसके बाद वो हवलिया के जो जुडिशल उसके पास शिक्षकों के पास पेश हुए और 104 का बयान वहां पर उन्होंने दिया। अब उसके बाद सुरताल गंभीर हो गई। अब मामला अदालत का था, चूंकि कबल जमानत के बाद जीबी पुलिस और केपीके पुलिस भी उनको कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कोशिश कर रहे और पुलिस को गिलगित बल्तिस्तान अदालत में तलब किया गया और गिलगित बल्तिस्तान पे जो एसएसपी गिलगित है उसको डायरेक्टिव्स दी गए कि 2 अप्रैल तक बच्ची को अदालत में पेश करें। और जो पिशावर का हाईकोर्ट का जो इत्तेबात का बेंच है उसने भी ये कहा कि 6 अप्रैल तक इनकी जमानत है, उसके बाद आप गिलगित बल्तिस्तान की अदालत से रजू करें, क्योंकि ये मामला अदालत का था, अब अदालत में है। और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस इस वक्त उस बच्ची को अदालत में पेश करने का जिम्मेदार है। हम समझते हैं कि जिस तरह अदालत के डायरेक्टिव हैं उन डायरेक्टिव के ऊपर पूरा अमल करते हुए उस बच्ची को अदालत में पेश करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर इसमें नाकामी हो जाती है तो जाहिर सी बात है पुलिस की बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग हो जाएगी अदालत की तरफ से। तो हम ये समझते हैं कि अदालत के सामने रूबरू पेश करने के बाद गिलगित की अदालत में उसके वालिद के सामने उसके पसमानगान के जो उसके रिश्तेदार हैं उनके सामने पेश करने के बाद मोहतरम अदालत और जजिस का ऑनरेबल जजिस का जो फैसला होगा जिस तरह भी होगा उस मामले को देखा जाए। यहाँ पे एक बात यह है कि तबाद के अंदर हजारा के अंदर उसके एक गायनेकोलॉजिस्ट से उसकी मेडिकल रिपोर्ट जमा की गई है और उसके बाद उसका एक निकाहनामा भी उस अदालतों में जमा किया गया है। अब हम खुद भी जाती तौर पर यह समझते हैं कि गिलगित की अदालत में पेश करने के बाद उसमें वो सारी रिपोर्टें भी वहां पे जमा होंगी, उसका वालिद भी होगा, उसके बाद जो भी हो जाएगा फलकूर हमारी बच्ची है और उसका तहफुज जान और माल की जिम्मेदारी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत अपना समझती है। और जिन लोगों ने इसकी आड़ में अपनी तशहीर करने की कोशिश की है और जिन लोगों ने उसकी आड़ में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन से खेलने की कोशिश की है और जिन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत डाइवर्सिटी को उसको डिजास्टर में बदलने की कोशिश की है, हम न सिर्फ उनकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम ये समझते हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के दुश्मन है। एक सजाद राजा को किसने इजाजत दिया है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के कैसे तबके को जो पुरामंडी है जो हमारा 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 कैपिटल है एजुकेशन का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वो रखता है उस खत्ते के लिए सबसे ज्यादा प्रोग्रेस उनका है पढ़े लिखे लोग हैं उनको अकलियत कहता है। हम समझते हैं कि इस तरह के इकदाम से गिलगित बल्तिस्तान की फजा भी खराब हो सकती है और वो लोग जिनका तो कारोबार चल रहा है जो तो फोरम में बैठ के इस तरह की वीडियो के जरिए अपनी कमाई करते हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ इस खित्ते को इस पाकिस्तान को जो डाइवर्सिटी है उसको ऊपर
अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं। हम मजम्मत करते हैं ऐसे किरदारों के जो इस केस को लेकर आगे कहीं फिरकवारा रंग देने की कोशिश की जा रही है, कभी मुल्क दुश्मन एजेंडे पे आके लेके जाने की कोशिश की जा रही है। तो आज आप मीडिया के दोस्तों के सामने हमारी जिम्मेदारी थी। आखिर में मैं ये कहूँगा कि फलकनूर जिस तरह सखी जान की बच्ची है, उस तरह हमारी बच्ची हमारी बहन है। उसकी उसका पर्दा, उसकी इज्जत, उसका नाफूस हमारे लिए इतना अजीज है जितना उसके वालिदैन के लिए। और आज हम पूरे सखी अहमद जान को पैगाम देना चाहते हैं, पूरी हकूमत आपके साथ है। और इस मामले की अब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अगवा का केस है या पसंद की शादी है, क्योंकि ये फाइनल गिलगित की कोर्ट में होके आना है। और मैं आखिर में ये कहूंगा आप दोस्तों से कि बहुत जल्द इसकी तहकीकात होकर सारा मामला मजराम पर आएगा और इस केस का बहुत जल्द ड्राफ्ट सीन होगा। डॉन साहब, आपने अभी कहा कि बहुत जल्द जो है असल हकीकत जो है वो सामने लाई जाएगी। असल हकीकत तो पता नहीं आप कब लाएंगे, हकीकत क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों की वसाकत से इतना कहूँ, ये जो सोशल मीडिया में इस वक्त कुछ नामजहाद जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के एजेंट्स बने हुए हैं मास्टर्स को, या ख्वातीन के हकूक के तहफ़ की जो बात करते हैं इंटरनेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान एक औरत की इज्जत और उसकी तकलीम जो इस्लाम के अंदर है वो किसी और मजहब के अंदर नहीं है, ये तो आपको पता है। जहाँ तक आपका सवाल है, मेरे जो बात की मैं आपकी यही कहूँगा कि ये अगवा है या ये पसंद की शादी है, कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने जब इनको डिमांड किया है कि पेश करने का, वो जब जैसे फैज़ुल्लाह फराग साहब ने कहा 6 तारीख को पेशावर हाई कोर्ट की हैदराबाद बेंच है, वहाँ से उनकी बेल है। जब ये कोर्ट में पेश होंगे गिलगित में, वो जब कड़की का बयान वहाँ पर सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इस हवाले से माँ बहन बेटी हर किसी की है, जिस तरीके से बच्ची की हमारी जो हमारी बेटी है इसकी इज्जत को उछालने की कोशिश की गई, चंद जैसे फराग साहब कह रहे हैं कि बाहर के जो एजेंट्स जिनको बाहर से सपोर्ट होती है, तो ऐसे लोगों की हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं। और इस्लाम के अंदर एक औरत जात की जो तकरीब और इज्जत है वो फिर इस्लाम से ज़्यादा शायद औरत का मकाम किसी और मजहब में हो ही नहीं सकता। इसको इन शॉर्ट आप ये समझें, इंशाल्लाह बहुत जल्द जब ये लड़की अदालत में पेश होगी जीबी की, वो खुद सामने खुल के आएगी कि दूध का दूध पानी का पानी। सर, इस पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा ताजुब हो रहा है वो ये है कि गिलगित, सिकंदू, हुंजा, कल लाहौर, कराची, इस बच्ची के लिए इतने प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर हो गए। आप लोगों को थोड़ी सी भी एक फुर्सत नहीं मिली कि इतने प्रोटेस्ट और इतनी कम्युनिटी इसके लिए इन शहरों में आई थी, इनका आप जवाब दे सके। और एक जो गदार है जो बाहर, जिसको हम सब ने कंडम किया, ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग उसको कंडम कर रहे हैं, अब उसके लिए आप लोग यहाँ आके एहतजाज पे आए। सबसे पहले तो आप जो इतनी हमारी जीवी की कम्युनिटी पूरे इन शहरों में बाहर आए उसके लिए आते तो कितनी ही अच्छी बात होती। देखिए दूसरा जी पहले आपने सवाल के जवाब लेना। देखें, हम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अपना तरीके का एहतजाज करना बिल्कुल हमारे लोगों का हक है। जैसे फैज़ुल्लाह फराग साहब ने कहा कि फौरी तौर पे वहाँ से पुलिस डिप्लॉयमेंट हुई, मानसरा वगैरह तक अप्रोच की गई, वहाँ आके वहाँ जब पुलिस छापे मारे कि उस दौरान उनका कोई निकाह नामा और इनका कोई इस तरह की चीज़ें सामने आई, वीडियो वायरल हो गई, उनकी लड़की खुद कह रही है कि मैं तो 17 साल की हूँ। उसके बाद आपको कानून आईन इजाज़त नहीं देता कि आप जाके ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसें और आप उसको ले क्यों उस पर लेके जाए, उसको गिरफ्तार करें। कुछ तो चीज़ें हैं जो आईनी और कानूनी तकाजे को गवर्नमेंट अपने इन पर देख रही है। बाकी लोगों ने एहतजाज किया है यहाँ पे या गिलगित में भी, अगर किसी ने आवाज़ उठाई है जेन्युइनली तो ठीक है। हाँ, एक तो होता है इसको प्रोपेगेंडा करके इसको हाईलाइट करना, उसकी हम फिर भी मजम्मत करते हैं। देखिए सर, प्रोपेगेंडा आप आप लोगों ने 3 बार बेस में लाया कि उसकी उम्र अभी तक के आइडेंटिफाई नहीं हो रही। देखिए, आपके पास नादरा है, शनाख्ती कार्ड है, जितने शवाहिद है उसके हिसाब से उसकी उम्र जो है मुश्किल से 13 साल बनती है। अब 13 साल को आप दोबारा 3 बार आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो पसंद की शादी है, मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है कि 13 साल में अपने तौर पे लिखा वो बच्ची का पैगाम किया है।
उसने भी किसी मेडिकल डॉक्टर के जरिए सवाल ये है कि पहले तो ताखीर की गई छापे मारने में उनको मौका दिया गया कि वो इस दौरान ये निकाह जो है और जेरी जो मेडिकल सर्टिफिकेट उम्र का वो बना सकें और जेरी डॉक्टर से वो सर्टिफिकेट बना सकें, ये एक उनको मौका दिया गया। उसके बाद आप जो लड़की के वालदैन हैं अगवाशुदा लड़की के जो वालदैन हैं उनके मौकफ़ की तायद नहीं कर रहे, उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप अगवाकारों की तरफ से जो मौकफ़ आ रहा है गवर्नमेंट का तकरीबन आप उसकी तायद में आपका मौकफ़ जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पर उस अगवा का अगवाशुदा लड़की के हवाले से जो उसकी हमदर्दी में वीडियोज़ आती हैं आप उसको रिकगनाइज नहीं करते, आप उसके साथ हमदर्दी नहीं कर रहे, उसके साथ उसको आप तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन जो अगवाकारों की हक में जो बयान उस लड़की का आया है वो सच्चा या झूठा है आप उसकी तायद भी कर रहे हैं, आप उसको आगे लेके चल रहे हैं। और आपके इस मौकफ को और आप इस क्रिया को देख के अगर कुछ लोग गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं क्या क्या आपको बाकी इस तरह से नहीं हो रहा है? आपका सवाल बिल्कुल नेगेटिव है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। डे फर्स्ट से पुलिस इसके पीछे बिल्कुल की सीरियस उस पर लगी हुई थी, पुलिस ने इवन मंसरे तक छापे भी लगाए। लड़की का जब वीडियो सामने आया, मुझे बताएं आप जब किसी लड़की का वीडियो सामने आते हैं उसके बाद आपके पीछे बचता है? अब तो वहीं हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें जब दिल्ली के कोर्ट में आ जाएगी लड़की, वो हमारी बेटी है हमारी बच्ची है, उधर बैठ के चले हम इसको मानते हैं मंसरे ने उसको टॉर्चर करके बयान दिलाया गया जो इसे चोट कर रहा है, जब गिलगित की अदालत में लड़की आके फिर से जो बयान देगा हम उसको ओन करेंगे, उससे पहले 6 तारीख तक तो हाई कोर्ट पिशाऊर की तरफ से बेल पे है वो। यार आपका जो बात है ना प्रोटेस्ट का, मेरा सवाल है कि वीडियो जेरी नहीं है उसकी, उसकी वीडियो आपने तस्दीक कर ली कि वो उसी की है? उसका एक वीडियो बेनाम है लड़की का, उसके अंदर वो लड़की ये कहती है कि मैं अपनी पसंद की शादी कर चुकी है। मैंने कहता कि उसने पसंद की शादी की या निकाह हुआ, मुझे नहीं क्या फर्क है। वो लड़की कहती है और वालिद कहता है कि बच्ची अगवा हुई, एक वालिद का मौकूफ है एक लड़की का मौकूफ है, हुकूमत ने बीच में किरदार अदा करना है, उनको अदालत में पेश करना है। तस्लीम कर लिया कि वो वीडियो बयान उसी का है, वो वीडियो बयान उस लड़की का, तस्लीम कर लिया आपने, उसी आपने तस्लीम किया है सर इसको, वीडियो तो उस लड़की का बयान है और कोई मजबूरी के उसने दिया है ये भी तस्लीम किया है सर। जी मेरा सवाल सर मेरा सवाल प्रोटेस्ट की बात है, जहाँ पे प्रोटेस्ट अगर जेन्युइन उस बच्ची ने हमने किया तो मैं भी प्रोटेस्टर हूँ आपके साथ फराज साहब, अगर किसी के बात कर ले शम साहब और फराज साहब आपने बड़ी मोहब्बत भरी दास्तान सुनाई है, यकीनन एक माजी में हमने देखा कराची में सेम ऐसा ही केस था दुआ जहरा वाला और उसका नतीजा क्या निकला ये भी आपको पता है, और जिस तरह मुमताज़ भाई ने बात की एक बेफाम शायद मुझे ये नहीं पता कंफर्म कि वो सच्चा है झूठा है, उसके ऊपर तकरीबन 13 साल उस बच्ची की एज है, तो क्या आप समझते हैं कि इस मामले पर कि 13 साल की बच्ची निकाह कर सकती है? और गिलगित बल्तिस्तान में आपके कवानीन क्या हैं, जिस तरह केपी में 16 साल है, सिंध में 18 साल है, जीबी में क्या इस तरह के कोई कवानीन मौजूद हैं कि 16 साल या 18 साल से बच्ची निकालनी? आपने तीन चीज़ें पूछी, पहली बात यह है कि बच्ची का अपना मौकूफ है कि मैंने निकाह किया, मैंने कहता उसने निकाह किया, उसने जो बयान दिया है वो बच्ची का बयान है, लेकिन मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि उससे जबरन दिलवाया गया या खुद दिया, ये मुझे नहीं पता। तीसरी बात, जहां तक शादी की कवानीन की बात कर रहे हैं, उन दोनों का शनाख्ती कार्ड नहीं है, बच्ची का भी नहीं है, उस बच्चे का भी नहीं है जिसके साथ वो गई है। तीसरी बात यह है कि कानूनी अगर आप देखा जाए तो कानून के मुताबिक क्या है वो कानूनदार आपको बता सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप हुकूमत में हैं, मैं ये कहता हूँ कि रिवाजन शरण उस लड़की ने गिलगित की अदालत में पेश होना और उसको पेश किया जाएगा। अगर उसके कल अपने वालिद के सामने भी ये बयान देती कि मैं इसके साथ खुशी में चली गई थी तो फिर आपके पास मेरे पास क्या बचता है सर? बेफॉर्म तो फिर भी सर, फिर भी जो कवानीन है जो 16 साल से कम उम्र शादी नहीं कह सकती, कवानीन कानून क्या कहता है वो जा ही नहीं सकते सर, 16 साल की बच्ची वो बयान नहीं आ सकती है, कहीं जहां रखना उसको रखेंगे सर। मेरा सवाल शहर नहीं लटक जाएंगे उस वक्त सर, मेरा सवाल शहर लटक जाएगा सर, बात सुनते हैं आप सवाल करेंगे, सवाल सुन ले सर मेरा सवाल सुन ले, जहीर नाम है मेरा, समार टीवी में होता हूँ मैं, मेरा एक सवाल ये है कि गला मेरा ख़राब है सॉरी ठीक ना पड़ता है, मेरा सवाल ये है कि इंसिडेंट तो हो गया
उसके बाद शायद मेरे ख्याल में ये पहला वाक़ हुआ होगा, और जो उस इलाके की रवायत है उसके खिलाफ लोगों में रिएक्शन है, और बच्ची की उम्र भी कम है। अभी बच्ची ने वहाँ जाके स्टेटमेंट दिया वो तो अलग बात है, लेकिन उसके वालदेन वहाँ पे रह रहे हैं ना, तो कहीं से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो हुई होगी कि इस लड़के के साथ इसका कोई ताल्लुक था या कोई इसमें अगवाकार मुलव्वज़ है, कुछ तो शुबा होगा, ये तो बता दें। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मेरी में इसलिए बातें असेंबली के अंदर भी उठाई गई थी, माँ बहन बेटी हर किसी की है, हम चाहेंगे कि इसको बिल्कुल शॉर्ट दिल्ली की अदालत में जब हमारी वो बेटी बच्ची पेश होगी वो जज साहब के सामने आया ये कहेगी कि मुझसे ये सारा बयान या मुझे अगवा किया गया, मुझसे ये बयान दिलवाया गया, डेढ़ साल खत्म। अगर वो कहती है वहाँ पर कि मैं खुद से इस बंदे के साथ खुशी के साथ मेरे निकाह भी पड़ा मैं चली गई हूँ, अगर बच्ची ने बयान दे दिया कि मैंने मर्जी से शादी की है तो आप उस कानून को किस हैसियत से देखेंगे? आपने अभी जो बात की उसमें ये बात की है कि इस मामले को लेके कुछ अनासर जो है साजिश भी कर रहे हैं, उसकी बात हो गई। फराज साहब ये बात कर रहे हो आप कौन है? मैं ये पूछ रहा था कि उसको लेके कुछ लोग अनासर जो है वो साजिश भी कर रहे हैं और इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो आपकी चल रही है वो आपने क्या उन्हें नासिर के हवाले से भी कोई तहकीकात की है कि वो जो कि इस मामले में बीच में पीछे रह के फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जान भी लगा रही है कि जो पुलिस के अहलकार हैं या अफसरान हैं वो इस मामले पर प्रेशराइज कर रहे हैं उनके वालिदैन को कि आप अपना बयान बदलें, ये करें वो करें, इसमें क्या कितनी हकीकत है? लोन साहब दूसरा ये लोन साहब ये लोन साहब इसको इसके साथ मिला लें इमरान के सवाल के साथ कि आपका गिलगित बल्तिस्तान का जो कानून है शादी के हवाले से वो क्या कहता है? 18 साल है या 16 साल है या 15 साल है? आपका कानून क्या है? उधर अलग कानून है, नेशनल वाला फेडरल का कानून यहां पे है, वो वहां पे आप बच्ची अदालत में पेश होगी, अगर उसकी उम्र कम साबित हुई तो ये फैसला जज ने करना है, उसको सुबह अहमद ने इम्प्लीमेंट करना है। फलक नूर पे तो काफ़ी बहस हो चुकी है, ये फरमाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन इस पर इस पे ज़रा बताएगा, और ये खास तौर पर कि रिसेंटली के नाखुशगवार वाक़ा पेश आया कि शाम तो चीनियों की आपके पास के फिगर्स के हुकूमत के पास कितने चीनी गिलगित बल्तिस्तान में उनकी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए हुकूमत ने क्या की? देखें इस तरह मुझे तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी वेरिट लगी कि आप जो असल इशू है देखें वो भी बहुत अहम इम्पॉर्टेंट इशू था, जो फलकनूर हमारी बेटी है उसको आपने कुछ ज़्यादा ही खींचा, वो तो शायद शुरू में ही अपना फैजला फराज साहब ने उसको क्लोज किया था। देखें सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफिया को आप समझें कि गिलगित बल्तिस्तान है क्या, गिलगित बल्तिस्तान कहाँ वाक़ है। गिलगित बल्तिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा खत्ता है इस पाकिस्तान के अंदर, और साथ साथ में एक चीज़ और आज आपके सामने इनका जो इंडियन जो मिनिस्टर इंटीरियर था अमित शाह उसने पिछले हफ्ते एक बयान दिया था, वो बोल रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो कश्मीर वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। उस पर फिर काउंटर में एक वजीर दाखिला के मैंने जवाब भी दिया था कि असल पाकिस्तान ही गिलगित बल्तिस्तान है, हमारे डोगरा से जो बुजुर्गों ने आज़ादी हासिल करके इसको जो पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था वो कलमे की बुनियाद से इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में बैठते हुए इस बात को फख्र से कहता हूँ कि असल पाकिस्तान ही गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ आएगी, ये सोने की चिड़िया है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया की नज़रें गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हैं, चाइना का बॉर्डर वहाँ पे लगता है, इंडियन हमारे साथ हैं, आपका अफगानिस्तान वहाँ पे बॉर्डर तो उनका लगता है, ताजिकिस्तान रशिया बहुत सारे स्टेट्स वहाँ पे वाखान वगैरह की जोग्राफिया वहाँ पे टच करती है। गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा से स्पेशली इंडिया और कुछ और ताकतें हैं जो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का अमन तार तार रहे,
اور کچھ عرصے سے گلگت بلتستان کے اوپر انٹرنیشنلی نظریں اور زیادہ بڑھنے لگی جب گلگت بلتستان کے اندر دیامیر پاشا ڈیم کی تعمیر سٹارٹ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پڑوس کے پی میں یہ جو آپ کا داسور جو ڈیم سٹارٹ ہوا، اور اس سے بڑھ کے سی پیک کا مین گیٹ گلگت بلتستان ہے۔ آپ سمجھیں کہ پوری جو آپ انٹرنیشنلی ایک امپورٹنس گلگت بلتستان کی جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کم سے کم ہندوستان کو تو کسی صورت حاصل نہیں ہو پاتی، اور ہمارے جو باہر کے جو ایسے کچھ عناصر ہیں جن کو یہ ترقی گلگت بلتستان کی یا پاکستان کی ترقی، بیسیکلی گلگت کی ترقی ہو یا پاکستان کی ترقی ہو، ایک یہ معنی رکھتی ہے، گلگت ترقی کرے تو پاکستان ترقی کرتا ہے، پاکستان ترقی کرے گلگت ترقی کرے۔ اس حوالے سے اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک بس کے اندر ایک بلاسٹ ہوا پچھلے ایک ڈیڑھ سال پہلے جب داسو نے، وہ بڑا حادثہ تھا، اور ابھی چونکہ بشام میں وہاں پہ خودکش دھماکہ کار جا کے ٹکرائی، ہمارے چینی جو انجینئرس تھے پانچ وہ پھر اس دنیا سے چلے گئے، اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں جس جو بھی اس کے کردار تھا۔ تو ہم سب کو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے، سامنے کچھ لوگ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پاکستان کے اندر رہ کے اینٹی پاکستان اینٹی جو ہمارے ملک کے اینٹی ایکٹیویٹیز کے اندر جو انوالو ہیں اس کے اوپر بھی ہماری رائے ہیں، اور اس پہ الحمدللہ ہمارے ریاستی ادارے وہ جی بی گورنمنٹ پیج پہ ہیں، آن بورڈ ہیں۔ شام صاحب ایک سوال ہے، اس وقت تھریٹ کی بات کی بھائی نے تھریٹ کی بات کی، بالکل ایک تھریٹ جاری ہوا ہے، تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے، اس پہ صبح شام چونکہ سی ایم صاحب تو عمرے پہ تھے، پھر بھی ہمارا لیزان ہوتا تھا، آئی جی صاحب وہاں پہ، ہوم سیکرٹری صاحب، جتنے ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹ افسران ہیں بالکل بھی ان کے ساتھ لیزان پہ، حکومت اس پہ چوکس سے ہم نے اپنی سیکورٹی بڑھا دی ہے، جو ہمارے مین جو ان آؤٹ چیک پوائنٹس ہمارے ہیں وہاں پہ ہم نے ایون کہ ہم نے کوئی خدا نخواستہ کوئی فیمیل کی شکل میں یا کوئی برقعہ پہن کے بھی اگر جی بی میں داخل ہونے کی کوئی بھی کوشش کرے گا تو ہم نے وہاں پہ لیڈیز جو ہماری پولیس ہے ان کی بھی ڈپلائمنٹ ہم نے کی ہے، اور اس پہ بھرپور ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہمارے ساتھ سپورٹ میں ہیں، اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ ہم اگر ایک قوم بن کے ساتھ رہیں تو دیکھیں دہشت گرد کی تو ان کا تو کوئی مذہب یا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس پاکستان کو کھوکھلا کیا جائے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کی وساطت سے میں آپ تمام دوستوں کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں، انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ سے قائم اور دائم رہے گا، پاکستان وقتی طور پہ پولیٹیکلی چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ ہم ایک آئٹمی پاور رکھتے ہیں، دنیا میں مسلمان پہلا ملک ہے جو آئٹمی پاور رکھتا ہے، اور ایک انتہائی مضبوط فوج الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، تو کوئی بھی دشمن اگر اس طرح کی چھوٹی موٹی وارداتیں کر کے یا دہشت گردی کر کے اگر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بھی اسٹیبل ہو تو کسی صورت میں مضبوط مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور گلگت بلتستان کا امن ہماری اولین ترجیح ہے، گلگت بلتستان کے امن کے لیے چیف منسٹر حاجی اکبر خان صاحب وقتاً فوقتاً جو بھی ہمیں ہدایات جاری کرتے ہیں، چاہے وہ محرم الحرام کا ہمارا بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، لوکلی کوئی سینسیٹیو نہیں ہے، باہر کا ہاتھ یہاں پہ آ کے اس کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر ماہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے بڑی گیدرنگ ہوتی ہے تو دشمن تاک میں بیٹھے یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے گلگت بلتستان کو کہ امن کو تار تار کریں تاکہ پاکستان ایک مصیبت سے دو چار ہو جائے، ایسا کسی صورت یا قطعی طور پہ ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تھریٹ الرٹ ضرور جاری ہوا ہے لیکن اس کے کاؤنٹر میں ہم نے الحمدللہ اپنی سیکورٹی فورسز کو اپنے ریاستی اداروں کو کے ساتھ انشاءاللہ ہم آن بورڈ ہیں، گلگت بلتستان کا بھی ہماری چینیوں کی شمس صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح بیچ چائنا والے جو انجینئرز ہیں ان پر حملہ ہوا، اور اس سے چند ماہ قبل آپ کو یاد ہو تو چلاس میں بھی ایک واقعہ ہوا، وہاں پر جو عام مسافر تھے انہیں مارا گیا، اور پھر ماضی میں بھی کئی واقعات ہوئے، تو کیا یہ جو چلاس میں گزشتہ چند ماہ پہلے ہوا تھا ان کے ملزمان کا کچھ پتہ چلا؟ اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جو اسلحہ لے کے ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں ان کو بابوسر کی پہاڑوں میں دیکھا جاتا ہے، کبھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو کے خلاف کاروائی کبھی ہوئی ہے؟ اور کیا آپ کے پاس سب کچھ؟ حاجی گلبر صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا چلاس کے اندر بلڈنگز بھی ہم نے گرائی ہیں، فیض اللہ فراغ صاحب وغیرہ کے نوٹس میں ہوتے کچھ بلڈنگز بھی ہم نے گرائی ہوئی ہے، اور اب چلاس میں آپ جا کے دیکھیں کوئی بندہ اسلحے کے ساتھ نہیں گھوم سکتا، بالکل بھی نہیں، زیرو ٹالرنس ہے، زیرو ٹالرنس۔ اور رہا مسئلہ اس چلاس انسیڈنٹ کا جو بس کا تھا، اس پہ تین بندے گرفتار ہیں، باقی ابھی بھی اس حوالے سے ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ میں ہیں، ہم اس کی طرف بھی ہم تحقیقات اس پہ جاری ہیں،
یار میری آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہی ہوگی، دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی بقا ہم سب کی بقا ہے، ہم پن پوائنٹ ایک کیس کو کر کے ایک پریس کانفرنس کریں اس کے بعد ہم جا کے خرگوش کی نیند سو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بحثیت قوم کے ہم سب نے مل کے اس جنگ کے خلاف ہم نے جہاد لڑنی ہے، جو ہماری پاک فوج فرنٹ پہ لڑتی ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ہم اس جنگ کے خلاف اپنا بھی حصہ ڈالیں، جو دہشت گردی اس وقت ملک کے اندر مختلف کونوں میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم سب مل کے اس کو ڈسکریج کر سکتے ہیں بحثیت قوم کے۔ شکریہ جی۔